गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग बात इकाई टू है जो थी, इसको हम लोगों ने समाप्त किया था। अब इसका प्रश्न उत्तर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आपके एग्जाम की दृष्टि से इसमें दिए गए हैं, जो कि मैट्रिक के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इनको किताब की मदद से लेकर वीडियो की मदद लेकर आप इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। जो भी क्वेश्चन है या तो लघु उत्तरीय है या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, तो उसमें आप लोग सबसे पहले हम लोग प्रश्न जो है छोटे टाइप के प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम बताओ। तो भारत के दो प्रमुख अनाजों को जानते हैं, चावल और गेहूं। चावल और गेहूं ये दोनों हो जाएगा आपको, तो इसमें चावल और गेहूं दो प्रमुख अनाज हो गए भारत के। उसके बाद भारत में कौन से तीन प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं, तीन प्रमुख मोटे अनाज। तो इसमें होगा आपको ज्वार, बाजरा, मकई, रागी, ये आपको मोटे अनाज के तौर पे जाना जाता है। उसके बाद है, हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है। तो हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल आपको चाय है, कॉफी है, ये आपको रोपण फसल के अंतर्गत आता है। उसके बाद दूसरा में आएंगे, उसमें है अंतर बताओ। तो अंतर बताओ में आपको नकदी फसल है और रोपण फसल है, तो नकदी फसल भी ले सकते हैं, रोपण फसल भी हम लोग लिख सकते हैं। ख है व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि, ये आपको देखना है। ख में है व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि। तो व्यापारिक कृषि वैसे फसल जब व्यापार के लिए लगाया जाता है, ज्यादा पैसा कमाने के लिए, बेचने के लिए लगाया जाता है, उसे हम व्यापारिक कृषि कहते हैं। और निर्वाह कृषि हो गया जिससे अपना जीवन चलाने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए, अपना फसल पालन पोषण करने के लिए, खाने के लिए जब जिन फसलों को लगाया जाता है, उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। यानी जिससे जीवन निर्वाह हो सके उसे निर्वाह कृषि, और जिसको हम बेचकर लाभ कमाए, पैसा कमाए, उसको हम व्यापारिक कृषि करते हैं। तो व्यापारिक कृषि में आपको बहुत सारा आ जाएगा, कपास है, जूट है, गन्ना है, ये आपको चाय है, कॉफी है, आपको व्यापारिक कृषि के अंतर्गत आएगा। निर्वाह कृषि के अंतर्गत आपको धान है, गेहूं है, मकई है, ज्वार है, बाजरा है, ये आपको निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है। उसके बाद ये भी आसान क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एक एक शब्द का उत्तर देना है इसमें। हमारे देश में मौसम के आरंभ में बोई जाने वाली फसल में काटी जाने वाली फसल में धान हो जाएगा, वर्षा के पश्चात जाड़ में बोई जाने वाली फसल में काटी जाने वाली फसल है जो गेहूं हो जाएगा, भूमि से खेती करके छोड़ जाता है ताकि उत्तर अपना खेती हो सके, तो इससे पट्टी कहा जाता है। कारखाने के उत्पादन से मिलती बेगानी का व्यापारी ढंग से की जाने वाली एक फसली खेती, तो आपको गन्ना हो जाएगा या आपको चाय हो जाएगा, एक फसल की खेती की जाती है उस पर। उसके बाद है आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन। लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भारत में उपजने वाली दो खाद्य नकदी और रेशे वाली फसलों का नाम लिखे। खाद में चावल गेहूं, नकदी में आपको हो जाएगा चाय कहवा, या रेशे वाली हो जाएगा कपास जूट, ये आपको हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त फसलों को उत्पादन करने वाले दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखे। यानी ऊपर जो फसलों के उत्पादन करने वाले खाद्य फसलों के, नकदी फसलों के और आपको रेशे वाली फसलों के, इसके दो दो राज्य का नाम लिखना है, किताब को लेकर आप लिख सकते हैं। उसके बाद भारत में उपजाए जाने वाले वर्षाधीन फसलों के नाम लिखे। यानी बारिश के मौसम में वर्षाधीन का नहीं होता, जब वर्षा के मौसम में भारत में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है उसके बारे में, उसमें आपको धान जाएगा, ज्वार जाएगा, बाजरा लग सकता है, मकई लग सकता है, ये सारे आपको बारिश के मौसम में लगाए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, उस जिसको आप लोग अपनी वीडियो देखकर नोटबुक में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर प्रश्नोत्तर आप लोगों का आज समाप्त हो गया, इसको अपने नोटबुक में लिखिएगा और याद कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।